नमस्कार, भावना तिवारी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, आइए देखिए उसकी रेसिपी। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, नमक और चाट मसाला। हमने आलू को छील के पानी में डुबो रखा था ताकि आलू काले न पड़ने पाए। अब हम एक एक करके आलू को फ्रेंच फ्राइज शेप में काट लेंगे और उसमें डुबोते जाएंगे। और एक बाउल में साफ पानी लेकर उसमें डुबोते जाएं ताकि हमारे आलू जो हैं काले ना पड़े। इस तरीके से सारे आलू काट लें एक एक करके और पानी में डुबोते जाएं। अब हमारे सारे आलू कट चुके हैं, हम इसको साफ पानी में डुबो देंगे। इसको साफ पानी से धो लेंगे। हमने पतीले में पानी गर्म कर लिया है, हम उसमें सारे आलू डाल देंगे। उसमें ऊपर से नमक डाल देंगे। इसमें नमक डालने के बाद करछी से हिला लेंगे ताकि सारा नमक अच्छी तरह से आलू में मिल जाए। गैस को तेज आंच में कर देंगे। एक उबाल आने तक छोड़ देंगे उसको। अब आलू अच्छी तरह से उबल चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और सारे आलू को पानी से बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक छन्नी के सहारे आलू को बाहर निकाल लेंगे ताकि सारा पानी नीचे निकल जाए, पानी आलू में ना रहने पाए। आलू बाहर निकल चुके हैं, अब हम आलू को कपड़े में डाल के इसका सारा पानी सोख लेंगे। अच्छी तरह से सुखा लेंगे पानी। अब हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 15 मिनट बाद हमने फ्रीजर से फ्रेंच फ्राइज बाहर निकाल लिए हैं। कढ़ाई में तेल गर्म है, सारे फ्रेंच फ्राइज इसमें तलने को डाल देंगे। इनको हाफ फ्राई करेंगे। फ्रेंच फ्राइज को हिलाते जाएं जब तक वो हाफ फ्राई ना हो जाए। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज हल्के से ब्राउन हो गए हैं, हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल देंगे। एक छलनी के सहारे बाहर निकाल लेंगे ताकि तेल नीचे निकल जाए। अब हम इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इनको दोबारा फ्राई करेंगे। अब 10 मिनट बाद हमारे फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको दोबारा फ्राई कर लेंगे। एकदम क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम ब्राउन क्रिस्पी। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में इनको हम बाहर निकालेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हमारे फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हैं। आप उसमें हल्का सा नमक और चाट मसाला मिला के खा सकते हैं। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हैं। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। इस तरह की रेसिपी और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।